इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये गिरजाघर या चर्च पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी, जिसे बैंडेल चर्च के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से करीब 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले में स्थित है। 17वीं सदी का ये चर्च पुर्तगालियों ने बनवाया था, जो उस समय यहाँ बसे हुए थे। देखने में ये नया सा लगता है, क्योंकि इसमें मरम्मत का काम हुआ है। आज ये चर्च एक समय इस क्षेत्र में बसे पुर्तगालियों की एक महत्वपूर्ण निशानी है और यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं। बैंडेल और इसके चर्च की कहानी जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पुर्तगालियों के बंगाल से जुड़े इतिहास के बारे में। बंगाल के साथ उनका संबंध 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में शुरू होता है, जब वो चिटगांव पहुंचे, जो अब बांग्लादेश में है, जो उस समय यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। अगले कुछ वर्षों में पुर्तगालियों ने यूरोप के साथ बंगाल के व्यापार का एकाधिकार किया और यहाँ से दक्षिण में हुगली शहर में एक नया केंद्र स्थापित किया, जो उनके संचालन का एक मुख्य स्थान बना। लेकिन सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली और उसके किले पर कब्जा कर लिया, जो पुर्तगालियों ने बनवाया था। युद्ध में पुर्तगालियों की हार के बाद हुगली और चिटगांग मुगलों के हाथों में चले गए। हार के बाद पुर्तगाली बैंडेल चले गए, जो मौजूदा समय में हुगली जिले में स्थित है। बैंडेल शहर का नाम बंगाली भाषा के बोंदोर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब बंदरगाह होता है। पुर्तगालियों के शासनकाल में बैंडेल एक समृद्ध बंदरगाह बना, लेकिन आज बैंडेल में पुर्तगालियों की बहुत कम निशानियां हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण अवशेष है बैंडेल चर्च। माना जाता है कि पहले हुगली किले में इसका निर्माण सन 1599 में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर ने करीब सन 1578 या 1580 के बीच एक फरमान जारी कर पुर्तगालियों को हुगली में रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन सन 1632 में हुगली पर शाहजहां के कब्जे के बाद चर्च को जला दिया गया था। उसके बाद सन 1660 में पुर्तगाली व्यापारी जॉन गोम्स दे सोतो ने इसे फिर बनाया। वे चर्च के अहाते में ही दफन है। पास के एक मठ के द्वार पर पुराने चर्च का कीस्टोन है, जो आज भी देखा जा सकता है और जिस पर सन 1599 की तारीख लिखी है। ये चर्च मैरी को समर्पित है। इसका मुख्य आकर्षण मुख्य द्वार के ऊपर बनी एक मूर्ति है। क्रॉस के नीचे एक आले में स्थापित है आर लेडी ऑफ हैप्पी वॉयेज, मैरी और एक बच्चे की प्रतिमा। माना जाता है कि ये प्रतिमा पहले पुराने चर्च में रखी गई थी, लेकिन हुगली पर हुई घेराबंदी के दौरान ये हुगली नदी में खो गई थी। लेकिन जब चर्च दोबारा बनाया जा रहा था, तब ये प्रतिमा समंदर के किनारे फिर मिल गई। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान आकर्षित करती है, वो है जहाज का एक लट्ठा, जिस पर पाल बांधा जाता है, जिसे मस्तूल या मास्ट कहते हैं। इसके बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जहाज के कप्तान ने चर्च को ये मस्तूल भेंट किया था। जब एक बार जहाज बंगाल की खाड़ी में तूफान में फंस गया था, तब उसके कप्तान ने मैरी से संकट से बचाने की प्रार्थना की और एक वादा भी किया था, वो तूफान से बच निकले। अपना वादा पूरा करने के लिए उन्होंने मस्तूल चर्च को भेंट किया। कुछ सालों पहले तक ये मास्ट चर्च के सामने खड़ा हुआ था, मगर एक तूफान के बाद ये गिर गया। आज भी चर्च में आने वाले लोग इसे परिसर में रखा हुआ देख सकते हैं। चर्च में 3 पीठिकाएं, एक वाद्य यंत्र और कई समाधि स्तंभ हैं। हर साल खासकर क्रिसमस के समय यहाँ जश्न का माहौल होता है। कथाओं और आस्था से भरपूर बैंडेल चर्च आज इस क्षेत्र के इतिहास का एक विशेष हिस्सा है।